महाजोली गांव निवासी अरविंद राजपूत फौजी ने बताया है कि उसके साथ मारपीट भी हुई। कल शाम करीब 8 बजे बिना नंबर की वैगनार गाड़ी में 5 लोग असलाओं से लैस बदमाशों ने एक फौजी जो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहा था उसको रोक उसकी पत्नी के सोने के आभूषण कान की झुमकी तो मंगलसूत्र एक छोटा और बड़ा एक चैन अंगूठी ले उड़े। गौहान चौकी प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पहुंचे। जैसे ही गाड़ी की रोशनी इन जातिर अपराधियों ने देखी तो गाड़ी छोड़कर पुलिस के पीछे फायर कर फरार हो गए। मौके पर जरिया थाने की पुलिस, राठ थाना, मझगवा थाने और चिकासी चार थाने की पुलिस फोर्स घटनास्थल पहुंची, पर जब तक अपराधी मौके से फरार हो गए थे। गाड़ी से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि गाड़ी धर्मकांत राजपूत निवासी राठ बलोधियाना की है जिसमें उसका आधार कार्ड की फोटो कॉपी है, जबकि इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मानो इसका शौक बन गया है बात बात पर देसी कट्टा से फायर करना। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल फौजी की लिखित तहरीर के अनुसार पुलिस ने धर्मकांत सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीन चार लोग खड़े थे गाड़ी रोक के समझा बात किसी को गाली वाली दे रहे थे मोबाइल बात कर रहे थे। इनकी गाड़ी उनकी गाड़ी टकराई थी उनकी हुई है मारपीट जो प्रथम दृष्टि हमें लगा और लोगों ने बताया कि हुई है मारपीट तो उसमें महिला को भी मारपीट हुई उसके कुछ जेवर वगैरह वहाँ पर उनका कहना था छीन ले गए लेकिन जेवर तो उनके गिर गए हैं या छीन ले गए नहीं कह सकते हैं तो इस संबंध में मुकदमा दिखाया गया। उनकी गाड़ी जो गाड़ी थी वो गाड़ी वहाँ रह गई थी गाड़ी नहीं भाग पाए गाड़ी में एक आधार कार्ड मिला था उनका अपने खिलाफ मुकदमा लिखा गया थाना मजमुआ में उसमें कार्रवाई बहुत जल्दी है जो भी में घटना में शामिल रहे थे बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ ये बता रहे थे कि किसी ने फ़ोन किया चौकी चार्ज गुहान को उधर जब गाड़ी लेके आए हैं तो ये गाड़ियाँ इनकी गाड़ी में निकल रही थी सामने जब गाड़ी आते देखे तो गाड़ी चौंक भागे भागते समय इन्होंने फायर किया है हवाई फायर और नहर पार करके संभवतः एक खेतों तक गाड़ी चौंक। हमीरपुर राठ से टाइम्स एटी न्यूज़ के हैप्पी राजपूत की रिपोर्ट।